सुप्रभात छात्र, आज हम हिंदी में लिंग परिवर्तन का अभ्यास करेंगे। लिंग यानी कि कोई भी व्यक्ति की जाति दर्शाने के लिए वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, व अगर पुल्लिंग होगा तो उसको हम स्त्रीलिंग में परिवर्तन करेंगे और स्त्रीलिंग होगा तो उसे हम पुल्लिंग में परिवर्तन करेंगे। पहले है कि अकारण पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी या आनी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। कोई भी एक पुल्लिंग शब्द है उसके पीछे अकारण अवर्ण लगता है तो उसमें हमें अगर स्त्रीलिंग बनाना हो तो आनी या आनी शब्द का प्रयोग करें तो अ प्लस आ बराबर आ होगा। तो उसका स्त्रीलिंग कैसे बनेगा, तो वह शब्द है उस जो अ है उसका हम आ बना देंगे तो वह बनेगा स्त्रीलिंग। जैसे देवर तो देवरानी, जेठ तो जेठानी, इसमें ठ है उसको हमने ठा बना दिया इसलिए अ के जगह हमने आ बना दिया, इससे वह शब्द स्त्रीलिंग बनता है। दूसरा है कि पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। अगर कोई पुल्लिंग शब्द है उसके पीछे वान प्रत्यय है, क्या वान प्रत्यय है तो उसकी जगह हम वती लगा देंगे तो वह शब्द है स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे भाग्यवान, तो यह वान है उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, वती लगा देंगे तो भाग्यवती। तो भाग्यवान पुल्लिंग है और भाग्यवती एक स्त्रीलिंग है। बलवान तो बलवती, रूपवान तो रूपवती, पुत्रवान तो पुत्रवती। तो पुत्रवती, रूपवती, बलवती, भाग्यवती यह शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। कोई शब्द के अंत में मान का मति करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। अगर कोई शब्द में मान है तो वह पुल्लिंग शब्द है लेकिन हमें उसका स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना हो तो वह मान की जगह हमें मति लगाना पड़ेगा। जैसे कि बुद्धिमान, तो क्या लगा दिया, बुद्धिमति। तो बुद्धिमान पुल्लिंग है और बुद्धिमति स्त्रीलिंग है। श्रीमान, और मान की जगह मति लगा दे तो श्रीमति। तो श्रीमति स्त्रीलिंग है और श्रीमान पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर ता का त्रि करने से तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है। अगर पुल्लिंग शब्द के पीछे कोई ता है तो ता की जगह हम त्रि लगा देंगे तो वह स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे नेता, तो नेता पुल्लिंग है। अगर हमें उसका स्त्रीलिंग करना है तो ता की जगह हमें त्रि लगाना पड़ेगा। जैसे नेत्री। कर्ता तो कर्त्री। अभिनेता तो अभिनेत्री। विधाता तो विधात्री। तो विधात्री, अभिनेत्री, कर्त्री, नेत्री ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द को ई कारक में बदलना होगा। तो इसमें क्या है, अगर कोई शब्द के पीछे हम नी लगा देंगे, नी या अणी लगा देंगे तो वह स्त्रीलिंग बन जाएगा। लेकिन उसमें हमें क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, तो जो पुल्लिंग शब्द है उसके प्रत्यय को हमें नी है उसकी जगह हमें ई लगाने पड़ेगा तो वह स्त्रीलिंग बनेगा। जैसे कि रोगी, घी है वह ई में है तो हमें उसे छोटा ई बना देंगे तो रोगी यानी रोगिनी। वाहन तो वाहिनी। स्वामी तो स्वामिनी। सौभाग्यशाली यानी सौभाग्यशालिनी। तो सौभाग्यशालिनी, स्वामिनी, वाहिनी और रोगिनी ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें हमें क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, तो ई जो दीर्घ है उसे हमें ह्रस्व कर देना पड़ेगा तो ही वह स्त्रीलिंग बनेगा। पुल्लिंग शब्द के अंत में ई जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। अगर कोई शब्द पुल्लिंग है उसके पीछे हम ई शब्द लगा देंगे, ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो वह हमारे लिए स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे कि फूलदान, तो फूलदानी। तो फूलदानी यह स्त्रीलिंग शब्द है, फूलदान या पुल्लिंग शब्द है। चायदान, चायदान की जगह चायदानी। तो चायदानी यह भी स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी में कोई शब्द ऐसे भी है कि जिसका हमें अगर स्त्रीलिंग करना हो तो उसमें कोई ई, नी, वान, वती ऐसे कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा लेकिन वह जो शब्द है उसको हमें पूर्ण रूप से परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे कि वर तो वधु, तो वर में हमें नी नहीं लगाया, वती नहीं लगाया लेकिन हमें शब्द का परिवर्तन कर दिया, जैसे वधु बना दिया। तो यह वधु है वह स्त्रीलिंग है, वर है वह पुल्लिंग है।
पति तो पत्नी, विदुर तो विधवा, विद्वान तो विदुषी, सास तो ससुर, ननंद तो नंदोई, सम्राट तो सामग्नी, साधु तो साध्वी, नर तो नारी। इसलिए हिंदी में कई सारे पुल्लिंग होते हैं, जिसका हमें स्त्रीलिंग बनाना हो तो उसे हमें पूर्ण रूप से परिवर्तन करना पड़ेगा, तो ही वह स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। थैंक यू।